आपकी गवर्नमेंट आने के बाद से 10:30-11 बजे ओल्ड सिटी में दुकानें बंद कर दे रहे। लोग समझ रहे हैं कि हम आपके पास भाग के गए थे। भाई आप दावा दिए थे, आप बुलाए थे, हम आए थे। वी हैव क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, वी हैव अप्रिशिएटेड द गवर्नमेंट, वी आर गोइंग टू प्ले द सेम रोल। जो सैंक्शन हुए 1 लाख उनको फॉरन रिलीज करेगी। के CBCID की इंक्वायरी, के आलेर का एनकाउंटर जो हुआ, हुकूमत मसाजिद का तहफ्फुज करेगी। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए ऑटो वालों का ख्याल करेंगे। उर्दू के ताल्लुक से हमने जो उठाया है, ये यहाँ से यहाँ आते हैं, कभी वो वहाँ से यहाँ आते हैं, लेकिन हम जहाँ थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया है। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को खत्म करने के मंसूबे, वो साजिशें बनाई गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो साजिशें, वो मंसूबे, वो ख्वाब चुकना चूर हो गए। कभी ये यहां से यहां आते हैं, कभी वो वहां से यहां आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। और बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। हमारी तारीख है कि हमने मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए तबकात के लिए, SC ST के हुकूक के लिए हमने जिद्दोजहद की है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नए शहर के बराबर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि IT टावर्स जो हमने मंजूरी हासिल की थी पुराने शहर के लिए, वो IT टावर्स का काम जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मूसी को साफ कर और जहां पे सिवरेज का पानी है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, डेवलपमेंट आएगा पुराने शहर में। हम उम्मीद करते हैं कि बरसा बरस से चार मीनार पेरिस्टनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है, उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा MTF है, RTF है, या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में है, उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइम्मा और मौजनों को आप अचलिकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। जब अचलिकास पुजारीज को आप 25,000 दे रहे हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम अइमा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को, जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में और उसके जरिए जितने भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1 लाख रुपये का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं जो स्विंग मशीन खवातीन को दिए गए थे, जिनकी मंजूरी हुई लेकिन इलेक्शन कोर्ट की वजह से रोक दिया गया था, आप उनको भी रिलीज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि CBCID की इंक्वायरी जो वह औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को आप टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। 70 बरस की इस तारीख में मुसलमानों की औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया।
चाहे वह तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वह कांग्रेस की हुकूमत हो या बीआरएस की हुकूमत हो, जब हुकूमत में आने से पहले तो बड़े हमदर्दी का इजहार करते हैं अखाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए, लेकिन इख्तदार में आने के बाद उनकी रविश कुछ और होती है और उसी रविश का नतीजा है कि हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 एकड़ आराजी चले गई, आज नहीं है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको टेबल करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आलेर का एनकाउंटर जो हुआ पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में, पुलिस एनकाउंटर करके उन मासूमों को मार देती है, हमारे मुतालबे पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेबल करेंगे उस रिपोर्ट को और वो खातिलों को सजा देंगे जो पुलिस कस्टडी में उन मासूमों को गोली मारकर मार दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मसाजिद का तहफ्फुज करेगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आशुर खानों का तहफ्फुज करेगी, क्योंकि आज बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन हमको इंसाफ से महरूम रखा जाता है। पुराने शहर में रोड वाइडनिंग्स की मंजूरियां हुई हैं लेकिन रोड वाइडनिंग्स नहीं हुए हैं। बोझागुट्टा में वहां पे हाउसिंग के लिए बार बार मुतालबा किया गया, नहीं हुआ। ऐवान असेंबली में इस मसले को बार बार उठाया और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने मंजूरी दी थी लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन आज तक भी लाल दरवाजे की उस मंदिर को के काम के लिए आगाज नहीं हुआ। मीटिंगें तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। और पुराने शहर के पेडेस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए हॉकर्स के लिए ब्रिजेस डालने का ऐलान किया गया, वो भी काम अभी पेंडिंग है। पार्किंग लॉट्स का है, मैं नई हुकूमत के सरबरा और चीफ मिनिस्टर साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से मुतालबा करूंगा कि आप पुराने शहर के और शहर हैदराबाद के सारे हमारे एमएलएस की एक मीटिंग बुलाइए, हम सारे मसाइल को आपके सामने रखेंगे और उन मसाइल को आप एक के बाद एक उनको हल करते हुए आप आगे बढ़े तो हम आपके ममनून और मशकूर रहेंगे। और उम्मीद करता हूं कि छोटे व्यापारियों का भी आप ख्याल करेंगे, ऑटो वालों का ख्याल करेंगे, माइनॉरिटीज के इश्यूज जब उठाएं उसके ताल्लुक से आप संजीदा रहेंगे, उर्दू के ताल्लुक से हमने जो उठाया है और उसके साथ साथ सर हाईटेक सिटी में, हाईटेक सिटी में दुकानें 24 घंटे खुले रहते हैं सर, आपकी गवर्नमेंट आने के बाद से 10:30-11 बजे होल सिटी में दुकानें बंद कर दे रहे हैं सर, ये छोटे कारोबार वाले हैं सर, थोड़ा उन पे भी रहम करिए। मेरी आपसे अदबन दरखास्त है कि एक मीटिंग भी बुलाइए, माइनॉरिटीज के इश्यूज को हम आपके सामने लाएंगे, आपके सामने रखेंगे। याकूतपुरा एसआरटी कॉलोनी में 100-bedded हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है, काइंडली आप उसका काम करा दीजिए। पालम रोड ओल्ड सिटी में एक दवाखाना मंजूर हुआ है, उसका भी काम वैसी है, उसको भी करा दीजिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बारकस में और बल्लागुड़े में 40-bed 100-bed हॉस्पिटल आया है, उसका भी अगर आप काम करा दिए तो बेहतर होगा। उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि उसको भी आप हेरिटेज को बरकरार रखते हुए बनाइए या जैसा भी बनाना है बनाइए, बहरहाल बनाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस्मानिया हॉस्पिटल को लेंगे। कि निज़ामिया तिबी कॉलेज जो मक्का मस्जिद के सामने है, इट इज़ द ओनली मीडियम ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन उर्दू सर, सो उसके लिए भी 72 करोड़ सैंक्शन है। अगर उसका टेंडर बुला के अगर कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो वो हॉस्पिटल का भी काम मुकम्मल हो जाएगा सर। और इसके साथ साथ सर कि जीएचएमसी के जितने भी एरियाज में जो काम हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स का अमाउंट नहीं दिया गया है। एक प्रोग्राम लाए थे हमारे, मेरे दोस्त लाए बिन फ्री, वो बिन तो उड़ गया लेकिन कचरा वहीं फेंकने लगे लोग, बिन नहीं है लेकिन कचरा तो वहां आ रहा है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये बिन फ्री क्या है इसको रिव्यू करिए, देखिए हर जगह पे कचरा आ रहा है सर। वी आर फॉर द डेवलपमेंट, वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट द ओल्ड सिटी टू बी ऑन पार विद न्यू सिटी, वी वांट फ्लाईओवर्स, वी फाउंड अंडरपासेस, वी वांट द मेट्रो ट्रेन। आई थैंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब फॉर अदर डे व्हेन आई वाज सिटिंग विद हिम ही हैड कॉल्ड फॉर अ मीटिंग ऑन, आपकी दावत पे हम आए थे, लोग समझ रहे हैं कि हम आपके पास भाग के गए थे, भाई आप दावत दिए थे, आप बुलाए थे, हम आए थे और आपने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कहा कि मेट्रो ट्रेन को जो पुराना रूट है उस पर लाएंगे। और उसके साथ साथ
सर आगे भी उसको चंद्रायन गुट्टे से एलबी नगर से लेते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके जाकर वहां पे खत्म करेंगे, बोले इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और एक एक सबसे बड़ा मसला है हैदराबाद मेट्रो वाटरवर्क्स और सिवरेज का, सर ऐलान किया गया हमारी नुमाइंदगी पर कि उसकी रेट को कम करेंगे, सब्सिडाइज रेट देंगे, लेकिन अब तक नहीं किया गया। जरा नहीं, ऑर्डर हुआ लेकिन हो रहा नहीं है साहब। उसमें सर मैं उम्मीद करता हूं कि आप हम जितने भी मसाइल जो उठाए हैं इस पर भी आप गौर करेंगे। आई एम हैप्पी दैट आई सॉ टुडेज न्यूज़पेपर्स इन विच ऑनरेबल रेवंत रेड्डी साहब हैज़ सेड इन द न्यूज़पेपर इट हैज़ कम के MIM के साथ कोई अलायंस नहीं है। नहीं है भाई, हमारा हम अकेले थे, अकेले हैं, लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। एंड लेट मी करेक्ट यू, वी हैव प्लेड अ कंस्ट्रक्टिव रोल व्हेन द TRS वाज आल्सो देयर इन द गवर्नमेंट। वी हैव क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट, वी हैव अप्रिशिएटेड द गवर्नमेंट, वी हैव रिजेक्टेड देयर रॉन्ग डूइंग्स एंड वी हैव प्रेज्ड द गुड डूइंग्स व्हिच वर फॉर द पीपल। वी आर गोइंग टू प्ले द सेम रोल।